हेलो गाइस, वेलकम टू RLD CAD ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम आपको एरी कमांड से रिलेटेड जितने भी होते हैं सारे मैं बताऊंगा, एक्सप्लोड ऑफसेट सारे बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरी कमांड से देखेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस पे भी आप एरी कर सकते हैं, बट मैं सर्कल पे ही करूँगा। सर्कल के ऊपर भी एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एरे कमांड के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो है हमारा AR Enter। AR Enter कीजिए आप। AR Enter एरे कमांड होगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, मैं इस ऑब्जेक्ट को एरे करना चाहता हूँ, इंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप आता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगुलर आप कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर की यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, चाहे फिर R सेलेक्ट कीजिए। आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर ये मेरा बन गया है। यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हैं, 1 2 3 4 कॉलम बना है और 3 रो। आप यहाँ से इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, या चाहे फिर आप चार चार करना चाहते हैं तो ये चार चार बना के आपको दे देगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ये मेरा बना, बैक जाइए, फिर से AR Enter कीजिए एरी कमांड के लिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आता है एक पाथ। तो सबसे पहले मेरा एक पाथ बनाना होगा। पहले मैं एक पाथ बना लूँ, ये है मेरा एक पाथ। ठीक है, अब इस पे मैं एरी करूँगा। AR Enter, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, यहाँ पे पाथ PA, यहाँ पे पॉपअप हो रहा है उसी को कर रहा है। पाथ ये है मेरा। अब देखिए इस पाथ पे जो भी बनना था वो मेरा बना। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन आप बढ़ा सकते हैं। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये जो आप सर्कल बना है आपके इस पाथ पे उसका संख्या कम होगा, छोटा कीजिएगा तो और बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंगल आपका रो में बना हुआ है। ठीक है, आइटम नंबर आप यहाँ से नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ देखिए कि ये सिंगल एक रो में है, आप 2 रो भी कर सकते हैं, रो बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कम कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, जैसे कि मैं 2 करूँ तो ये 2 पे हो जाएगा। देखिए आप कुछ इस तरीके से 2 पे बना है, इसे बढ़ा भी सकते हैं, 5 5 हो गई। ठीक है, ये कमांड कुछ इस तरीके से काम करता है। अब है एक और एरी में आता है, वो है हमारा AR Enter कीजिए और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, इंटर। अब यहाँ पे आता है पोलर, ये बहुत काम का होता है। ठीक है, पोलर PO इंटर कीजिए, पोलर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके सेंटर जो लेना होगा आपको कि किसके अराउंड आप इसे करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो ये आप देखिए, यहाँ पे आइटम नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, फिर डबल सेलेक्ट कीजिएगा, फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, 10 की जगह पे आप 20 कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसके बीच का जो है ना डिस्टेंस, वो कम होता जा रहा है। अब जैसे जितना जितना करेंगे ये डिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ये था मेरा एरी कमांड। अब एरी कमांड के अंदर ही ये आपका, यहाँ पे आप एक कमांड देख रहे हैं कि एक्सप्लोड कमांड है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा सर्कल है, ये सारा सर्कल अभी ज्वाइंट है, इस सर्कल को आप ट्रिम नहीं कर सकते। बट अगर आप एक्सप्लोड कर दें तो ये ट्रिम होगा। अब ये मतलब टूट जाएगा, ये ज्वाइंट है, ये अलग अलग हो जाएगा। आप एक्सप्लोड पे जाइए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, हो गया, ये आप टूट गई है। देखिए आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इरेज कमांड है ये, इरेज आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिम कर सकते हैं आप, TR डबल इंटर कीजिए। देखिए आप ट्रिम भी कीजिएगा तो सिंगल सिंगल ट्रिम होगा। ठीक है, ऐसे एरे कमांड में नहीं कर सकते, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही एक फंडा है। एडिट तो करवा लेंगे, बोलेंगे ट्रिम करके दिखाओ, ट्रिम ही नहीं होगी। ठीक है, एक और कमांड है हमारा एक्सप्लोड, तो आपका मैं कर दिया ऑफसेट। ठीक है,
ऑफसेट कमांड में क्या होता है, ओ एफ इंटर कीजिए, ऑफसेट कमांड का ये शॉर्टकट की है, ठीक है। अब ओ एफ इंटर करने के बाद ये देखिए, ये ऑफसेट हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऑफसेट कमांड पे जाइए, इसमें आप जो है ना डिस्टेंस दे दीजिए, डिस्टेंस मैं देना चाहता हूँ 10 का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए आ गया, ठीक। अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एम इंटर कीजिए और फिर मल्टीपल कमांड, ये आ जाएगा देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये भी कमांड बहुत यूजफुल होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।